अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ और मेरे साथ बैठी हुई मेरी फ्रेंड आयशा। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और इन्हें मैंने खुद बुलाया है क्योंकि आज की जो कुकिंग है वो हम दोनों साथ मिल के कर रहे हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुर्गी अला पुलाव। तो देखती हूँ, मैंने ऑयल डाला हुआ है और ऑयल के साथ में तो प्याज अभी थोड़े जब ब्राउन हो जाएंगे फिर मैं इसमें जो बाकी का सामान है वो डालूंगी। तनिषा, आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप क्या सबसे मजे मजे का बना लेती हो, जो फिरोज भाई को सबसे ज्यादा पसंद आता हो? कौन सी वो रेसिपी है, उसका नाम बताओ। फिरोज भाई को आपके तो सबसे ज्यादा चावल पसंद है, वो भी बिरयानी हो। और सब्जी में? सब्जी में तो इन्हें कोई मतलब सही सब कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, सब कुछ खा लेते हैं सब कुछ। मैं सारी सब्जियां खा लेती हूँ, बस वो जो है आलू मटर और गाजर की सब्जी मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं वो पका तो लेती हूँ लेकिन मजे से खाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे आलू मटर तो मैं जो बनाती हूँ वो बिरयानी मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ, तह वाली बनाती हूँ। तो आज मैं आपसे इस तरह की बिरयानी बनाना भी सीख लूंगी। ये कैसे तरीका आता है वो, ये तो पुलाव जैसी हो जाती है ना, तो मैं तो तह वाली बिरयानी बनाती रहती हूँ। मैं मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपको ये तरीका आता है या नहीं आता? आता है, आज और सीख लूंगी। आज कंफर्म कर लूंगी। हाँ इस तरह से चलाऊंगा। हाँ तो व्यूवर्स, ये बोरियां थी बड़ी बड़ी जिनको हम इस छुरे से काट रहे हैं और काट कर छोटा छोटा सा कर रहे हैं, छोटा छोटा। तो मेरे प्याज जो है अब ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर कब डालेंगे? जब ये थोड़ा से भून जाएंगे। हमारे गांव वालों को जो शहर तो लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम टमाटर। अब जो मसाला फ्राई करने के बाद चिकन डालेंगे, मैं टमाटर के बाद चिकन डालूंगी और स्पाइसेस सब डालूंगी और ये बार चिकन फ्राई करने के बाद। टमाटर को थोड़ी सी देर पकाने के बाद इसमें डालूंगी मुर्गी, जिसके हमने मिलके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। मुर्गी को फ्राई कर लूंगी और इसके बाद करेंगे इसमें स्पाइसेस ऐड। और ये दादी जाने गुड़ वाले चावल बनाए थे जो मैं खा रही हूँ। आपको पसंद है? हाँ मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं बनाए कभी भी नहीं है गुड़ वाले चावल। ये दादी जान जब पकाए थे ना, आपने सीखना था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्या पता आपको पका रहे हैं आपको। अच्छे बने हुए ना? हाँ तो प्यारे व्यूवर्स, अब हम निशा के इस पुलाव में स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं। स्पाइसेस में ये साबित गरम मसाला रखा हुआ है और ये बिरयानी का पैकेट है, इसको अब मैं सारा इसमें ऐड कर दूँ। ये जो पानी डालेंगे फिर ऐड करें, हाँ ये ऐड कर दूँ। ये साबित गरम मसाला ऐड हो गया इसमें और अब घर के स्पाइसेस, साबुत पीसा हुआ धनिया और लाल मिर्च और ये रही हल्दी, और अब इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद क्या करेंगे? पानी डालेंगे, पानी डालेंगे फिर राइस डालेंगे, बंद राइस। सही। हाँ तो व्यूवर्स, ये निशा ने मुझे बोटी निकाल के दिया कि इसको चेक करके बताओ नमक मिर्च मसाला ठीक है या नहीं। मिर्च तो ठीक है, बस नमक थोड़ा सा कम था तो अब उसने और डाला। अब पानी डाल के राइस डाल दो। और इसी के साथ ये चाइना नमक उबलने के लिए रख दो, उबल जाएगा तो फिर चावल डालना।
थोड़ी देर में। तो अभी मेरे चावल पक जाएंगे, उसके बाद मैं मेरी फ्रेंड को खिलाऊंगी। वो भी कब से आई हुई ऐसी बेटी है, मैंने इन्हें स्पेशल बुलाया है कि मैं इन्हें कुछ खिलाऊं बनाऊं के, और इन्हें ऐसी बिठाया है भूखा। नहीं, मैंने वो गुड़ वाले चावल खाए। कहाँ खाए आपने, वो भी थोड़े से खाएँ। अच्छा, फिर ये खा के हम बाहर चलेंगे घूमने। हाँ जी, बाहर जाओगी? हाँ ठीक है, ये बना लो, उसके बाद फिर हम लोग बाहर चलेंगे। पहली बार तो आपने बाग देखा था, मोर देखा था, आप कोई और चीज़ आपको दिखाऊंगी। हाँ ठीक है जी। तो पानी मेरा अब उबल चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी चावल। अमीना, हानिया को कच्चे चावल बहुत पसंद है। अब ये गल गए ना, कल से भीगे हुए हैं। चावल मैंने एक घंटे पहले भिगो के रखे थे, वो चावल मैं अब डाल रही हूँ क्योंकि अब ये गल चुके हैं, इसलिए मैंने पानी भी कम डाला था। तो अपने चैनल पर किस तरह की वीडियोस डालती हूँ, मैं तो सिर्फ कुकिंग डालती हूँ। मेरा व्लॉग्स का चैनल है ना, तो व्लॉग्स में हर किस्म की वीडियोस आ जाती है। मैं उसमें कुकिंग की भी डाल देती हूँ, ब्यूटी टिप्स की भी डाल देती हूँ, अपने खाने पीने की भी डाल देती हूँ, आउटिंग की भी डाल देती हूँ, हर तरह की वीडियो डाल देती हूँ। व्लॉग्स बनाती हूँ, हाँ व्लॉग बनाती हूँ। तो अगर व्यूवर्स अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं चावल पानी में डाली थी और पानी मेरा अब सूख चुका है, अब बारी है दम की। हल्की आंच पे मैं इसे 10 से 15 मिनट का दम दे दूंगी, और कोई इसके ऊपर भारी वजन उठा लाती हूँ, पिले आती हूँ, फिर इसके ऊपर रखूँ। ये मेरा हाँ नहीं बन सकता, यही बन सकता। तो मैं इसके ऊपर ये दे रही हूँ ताकि इसकी जो भाप है वो बाहर ना निकले। तो जब तक मेरे चावल तैयार होते हैं तब तक मैं अपना जो सलाद है वो तैयार कर लेती हूँ, फिर चावल भी पक जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कैसे पके हमारे चावल। ओ बैठे, अब मैं ऐसे खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि अब दम ही है। तो मुझे इसे दम पे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, अब बारी है खोलने की। जी अम्मी, रख लो। तो अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, और आपको कैसे लगे हैं चावल वाले? मजे के लगे हैं। तो बस अब जा रही हो? हाँ जी, क्योंकि बाहर अंधेरा हो गया है और रास्ते में सर्दी भी बहुत लगेगी क्योंकि हम बाइक पे आए हुए हैं। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।